नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है और यह नेहरू के बाद तीन बार बनने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हो गए। ऐसे में नौतनवा विधानसभा में जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके द्वारा जो है मिठाई बांटकर, पटाखे फोड़कर जो है जश्न मनाया जा रहा है। और ऐसे में हमारे पीछे तमाम लोग खड़े हैं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये लोग जश्न मना रहे हैं। और साथ ही साथ एक जानकारी और दे दूं कि महाराजगंज में सात बार के सांसद पंकज चौधरी को राज्य मंत्री जो है बनाया गया है। हमारे साथ सुधाकर जायसवाल जी हैं, किस प्रकार से आप लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम लोगों की खुशी की किसी कोई मीटर नहीं है जिससे हम लोगों की खुशी को नापा जा सकता है। ये निश्चित जान लीजिए कि महाराजगंज जनपद के वासी और पूरे भारत के वासी नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने से इतने खुश हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और साथ ही साथ पंकज चौधरी जी के जो दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं, अब हम लोगों की उनसे भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी खुशी है। तो हम लोग ये समझते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो विकसित भारत की तरफ एक अपना लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, मेरा ऐसा मानना है महाराजगंज जनपद को हमारे माननीय मंत्री जी पंकज चौधरी जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 से कहीं पहले, मैं ये समझता हूँ 2040 तक की महाराजगंज जनपद को एक विकसित जनपद बनाने के लिए एकदम बिल्कुल से तत्पर होंगे और वो ऐसा कर पाएंगे। बिल्कुल भैया, क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है यहाँ से फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को बनाया गया है जी। बहुत खुशी है कार्यकर्ताओं में और हमारे अभिभावक हैं, महाराजगंज 63 लोकसभा क्षेत्र से सातवीं बार सांसद चुनके गए हैं आदरणीय पंकज चौधरी जी, जो दूसरी बार आज पुनः शपथ लिए हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में। और उनके मंत्री पद की शपथ लेने से हम कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश और उत्साह है। उसी के क्रम में आज हम लोग पटाखा फोड़े हैं, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दिए हैं और शुभकामनाएं दी हैं। दूसरी बार कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंकज चौधरी को शामिल किया गया है, महाराजगंज के लोगों को, खासकर जो आप लोग समर्थक हैं उनके, आप लोगों को क्या उम्मीद है? जैसे अभी विरोधी लोग कह रहे थे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन अब जो भी कार्य शेष रह गए हैं उससे कहीं ज्यादा, जितना 10 सालों में इधर नहीं हुआ उससे ज्यादा अगले इस 5 वर्ष में होगा, ऐसी हमारी जो है सोचना है और मानना है। और आदरणीय मंत्री जी का भी जो है सोचना था कि इस बार जो कार्य नहीं हो पाए हैं उसको एकदम तत्परता के साथ जो है प्राथमिकता के आधार पर उसको किया जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो बीजेपी को चाहने वाले हैं, पंकज चौधरी को चाहने वाले हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले हैं, उनके द्वारा मिठाई बांटकर, पटाखा फोड़कर, तमाम तरीके से अपने अलग अलग अंदाज में यहाँ पर जो है खुशियां मनाई जा रही हैं। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं।